पुलिस थाना अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बैंक के भाव से ज्यादा ब्याज दर देने का लालच दिया और फरियादी के साथ कुल 19,67,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में गणेशपेट पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो उनकी पहली मुलाकात आरोपी नामे राकेश रूपचंद रामवानी जो कोटक महिंद्रा बैंक में काम करते थे उनसे हुई थी। पहले उन्होंने उनका खाता खुल कर दिया था 2018 में, फिर उसकी उनकी पहचान हो गई और उनको मालूम हो चुका कि इनका भी पैसे का कारोबार है। इसलिए उनको 20 में ज़रूरत पड़ेगी और एक खाते की, इसलिए उन्होंने उनको संपर्क किया कि HDFC बैंक में हमें खाता खोलना है। इसलिए वो बोला, मैं भी आरोपी बोला कि मैं अभी HDFC घाट रोड में एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ, आप आइए हम करेंगे। तो इससे उनकी पहचान बढ़ती गई, 2020 से वो ज़्यादा पहचान में आ गए और उसने ही खाता उनको ओपन करके दिया था। इसलिए उनको मालूम था कि उनका कारोबार ज़्यादा है और पैसे आने जाने का व्यवहार रहता है। इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था आरोपी ने कि आपको इतना पैसा रख कर फायदा नहीं है क्योंकि बैंक बहुत कम ब्याज देते हैं, थोड़ा हमारे पास देंगे पैसा तो हम और कुछ ऐसे बैंक या कोई किसी दूसरे में बॉन्ड में या कहीं भी हम उसको निवेश कर सकते हैं और ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। इसके ऊपर दोनों कंप्लेनेंट और उसके जो पति हैं उन्होंने भरोसा रखा और भरोसे के वादे से उन जो कंप्लेनेंट है उन्होंने लगभग 19,71,000 रुपये उनको दे दिया। उनमें से कोई कैश थी, कोई अकाउंट ट्रांसफ़र किया था और जो कैश थी अकाउंट ट्रांसफ़र किया था उसके आरोपी के पत्नी के नाम पे। वही भी उनको शक आया कि पत्नी के नाम की क्यों, तो उन्होंने बोला कि मैं मैनेजर हूँ इसलिए मैं खुद के अकाउंट में नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी के बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद बहुत दिन के बाद यानी वो जो डिपॉजिट हुआ था मार्च 2021 से सितंबर 2021 के, तो बहुत दिन हो गया पर कुछ भी उनका आता पता या कोई निवेश में वार भी नहीं हुई और कुछ पता भी नहीं चला। इसलिए उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी उनके पर कुछ हुआ नहीं और उनको कुछ तो लगा कि इसमें हमारे कोई ना कोई चीटिंग हुई है। इसलिए उन्होंने हमारे इधर एप्लीकेशन दिया था। पूरे इंक्वायरी करने के बाद हमने गुना दाखिल किया 409/420/34। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और पूरी तारीख तक जाएंगे और आपकी चैनल के माध्यम से सबको हम बोलेंगे कि जो भी आरोप है उनके खिलाफ ऐसे भी कोई चीटिंग के मैटर रहेंगे तो कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आइए, हम आगे तजवीज़ करेंगे और गुना इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह हो जाएगा। या माध्यमातून आम्ही सर्व जनतेला रहिवाशांना सांगू इच्छितो असं की आम्ही बरेच असे काही मॅटर बघत आहे की त्याच्यामुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक आणि पिळवणूक होत असते। बरेच असे स्कॅम घोटाळे उघड झालेले आहेत, काही ऑनलाईन ॲप असतील, सायबरचे काही रिलेटेड स्कॅम असतील किंवा QR कोड डाउनलोड करून किंवा NDSK ॲप डाउनलोड करून त्याच्यामार्फतीनं पूर्ण अकाउंट खाली करण्याचे काही आमच्यापर्यंत कंप्लेंट आलेले आहेत। त्याप्रमाणे काही असे सुद्धा आलेले आहेत की दाम दुप्पट करून देऊ, चांगले व्याजदर मिळवून देऊ किंवा चांगल्या ठिकाणी पैसे लावून तुम्हाला काही दिवसानंतर व्याज मिळेल, काही दिवस त्यांना त्या पद्धतीनं दाम दुप्पट केलं जातं पण नंतर विश्वास संपादन करून कुठल्याही प्रकारे दाम दुप्पट होत नाही आणि ते गेलेले पैसे मिळत नाहीत आणि आरोपी हे पळून जातात आणि त्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की सामान्य नागरिकाची आपली फसवणूक झालेली आहे। तोपर्यंत तो वेळ निघून गेलेला असतो, आपली आयुष्यभराची जी पुंजी आहे ती थोड्या वेळ अवधीतच आपण आरोपींच्या ताब्यात देत असतो। तर आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आवाहन करतो की असं कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नका, जे कायदेशीर मार्गानं असेल त्याप्रमाणे बळी पडा आणि आपल्याला कुठलेही असे ॲप असते डाउनलोड ॲप करू नका आणि कुठल्याही माणसावर विश्वास ठेवू नका, जे कायदेशीर असेल त्या मार्गानंच करा। आणि याच्याबद्दल आपल्या संशयित असेल तर आमचं सायबर पोलीस स्टेशनला किंवा कोणत्याही जवळच्या पोलिसांशी संपर्क साधावा।